सब्सक्राइब कीजिए प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल को और मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको आप देख सकते हो ये बेसिन का पॉइंट है और ऊपर बेसिन डायमीटर लगा हुआ है। दोस्तों इसमें मैं आपको वॉश बेसिन फिट करके बताऊंगा। आप देख सकते हो दोस्तों ये वॉश बेसिन है, काफ़ी न्यू स्टाइल का है, तो इसे इस वॉश बेसिन को मैं फिट करके बताऊँगा। आप देख सकते हो सबसे पहले मैं बेसिन डायमीटर का सेंटर को नाप लेता हूँ उस बेसिन को लगाने के लिए, क्योंकि उसके सेंटर में मुझे बेसिन को फिट करना है। आप देख सकते हो तो दोस्तों नीचे से साइड वॉल से इसे नाप लेता हूँ, जैसे बेसिन डायमीटर को नापा था। यहाँ पे आप देख सकते हो नाप के दाग मार ले और नीचे से 34 इंच टॉप से मैं नाप लिया हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हो ये एंगल का मैं नाप निकाल लेता हूँ दोस्तों, एंगल को घुसाकर बेसिन में जहाँ तक जहाँ से फिट होगा। उसके बाद में आप देख सकते हो ये दोस्तों एंगल का नीचे से उसका 7 इंच आ रहा है टॉप, तो मैं दोस्तों इसे भी ये जो बेसिन का टॉप 34 इंच से 7 इंच आप देख सकते हो 7 इंच नीचे का लेवल से नाप ले लिया हूँ। मतलब इसमें तो जो है दोस्तों इस एंगल में बेसिन फिट होगा। और दोस्तों साइड से 20.5 सेंटर जो मैंने नापा था बेसिन डायमीटर का, उसके हिसाब से इसे दोस्तों मार्क कर लेता हूँ। आप देख सकते हो पेन से मार्क कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों इसे मैं आप देख सकते हो दोस्तों कटर ग्लेंडर मशीन में जो डायमंड पाना था उससे मैं इसे कर रहा हूँ। आपको दोस्तों हमेशा डायमंड पाना से ही करना है, डायरेक्ट डील नहीं करना है, नहीं तो जो है टाइस टूट जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं ड्रिल मशीन से 14 या 12 mm का पाना से इसका होल कर लिया। आप देख सकते हो उसके बाद में इसमें दोस्तों ये सब मैं साथ में दिया था, इसमें एंकर फास्ट नाट आप देख सकते हो, इसके इसमें जो है एंकर फास्ट बुलेट नाट है ये, मतलब वॉल में जाने के बाद में खुल जाएगा और इसे टाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अंदर मतलब कुछ ही आपको नहीं देना है, खाली इसको घुसाना है और नट से टाइट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं अंदर डट्टा वट्टा कुछ नहीं दिया, ये जो बुलेट का एंकर फास्ट का सिस्टम है, जितना मैं इस नट को बाहर से टाइट करूँगा ऑटोमेटिक जो है अंदर से ये फूल कर मोटा हो जाएगा और ये बैठ जाएगा। आप देख सकते हो वाल में दोस्तों मैं पोपट पाने से इसे टाइट कर देता हूँ, मतलब जितना मैं नट को टाइट करूँगा ये खींच के बाहर आएगा सलिया और अंदर जो है ये खींच के बैठ जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा सिस्टम है जो दिया हुआ है, मतलब कुछ लकड़ा वकड़ा डट्टा कोई सिस्टम नहीं है, अंदर जो है जाड़ा हो जाएगा टाइट करने के बाद में और ऑटोमेटिक बहुत टाइट से बैठ जाएगा। आप देख सकते हो मैं इसे खींच कर भी देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो स्टैंड जो है एंगल जो है उसे मैं फिट कर दिया था नाप लेकर, उसके बाद में इस बेसिन को लगा देता हूँ। आप देख सकते हो बेसिन को मैं बिठाती हूँ एंगल में, बहुत अच्छे तरीके से बेसिन जो है लग गया आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैं इसका वेस्ट कपलिंग वेस्ट पेप और पानी चालू करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और एक बार हाइट के बारे में आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो नीचे से 34 इंच जो बेसिन का स्टैंडर्ड हाइट है, 34 इंच में जो है मिनिमम आप रख सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो वेस्ट कपलिंग में एक तरफ साइड में ऊपर का साइड में वाशर और नीचे साइड में वाशर देकर नीचे से मैं इसे लगा देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों लगा दिया हूँ, उसके बाद में इसका वेस्ट पेप लगा देता हूँ। अब देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है बेसिन दोस्तों, ये बेसिन जो है काफ़ी हाफ पेडिस्टल टाइप का है, मतलब वेस्ट पेप भी नहीं देखेगा। उसके बाद में इस बेसिन में मैं अब देख सकते हो फ्लेक्सीबल वेस्ट कपलिन और पाइप लगा देता हूँ, क्योंकि ये हाफ पेडिस्टल है नीचे दिखेगा नहीं, तो इसमें बॉटल टॉप लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए मैं फ्लेक्सीबल पाइप इसे लगा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो फ्लेक्सीबल पाइप को वेस्ट पाइप में उसे वेस्ट पाइप के अंदर लगा दिया हूँ आप देख सकते हो। और दोस्तों मैं पानी चालू भी करके आपको दिखा देता हूँ, ये बेसिन जो है पूरा कंप्लीट लग गया है आप देख सकते हो, पानी भी दोस्तों चालू हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।